आज मैं बात करने वाला हूँ नींद में हस्तमैथुन, उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आया था एक व्यक्ति का। जैसा हमने बताया कि भाई हम ऑनलाइन वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करते रहते हैं, ऑडियो वीडियो कंसल्टेशंस करते रहते हैं, काफ़ी दूर से था। तो उसका कहना था कि मैं नींद में हस्तमैथुन करता हूँ और वो मुझे नहीं चाहिए। वैसा जागते हुए किया तो चलता है, नींद में नहीं होना चाहिए हस्तमैथुन। अब नींद में हस्तमैथुन यह क्या बीमारी है? हस्तमैथुन तो ऐसा होता है कि आप खुद अपने हाथ से किया हुआ हस्तमैथुन, उसको हस्तमैथुन बोलते हैं। और हमने बोला कि हस्तमैथुन कोई खराब बात नहीं है। हस्तमैथुन यानी कि हैंड प्रैक्टिस, या हम हमारी भाषा में बोलते हैं मुट्ठी मारना, हिलाना, जो भी कुछ आप बोलते हो, तो वो तो कुछ खराबी नहीं। तो मैंने बोला भाई खराबी क्या उसमें, ठीक है। तो नहीं बोले, मैं वो करता हूँ, मुझे बंद करना है, नींद में नहीं आना चाहिए। फिर जब मैं डीप में उसके गया, डीप हिस्ट्री लिया, तो मालूम पड़ा कि इसको एक्चुअली हैंड प्रैक्टिस या हस्तमैथुन करते ही नहीं, वो हिप्नोगैगिक हेल्यूसिनेशंस है। हिप्नोगैगिक हेल्यूसिनेशंस मतलब एक ऐसी स्टेट रहती है नींद में, नींद लगने के पहले की, या नींद और REM स्लीप के पहले की, बीच में की, कि जिसमें ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, ऐसा पेशेंट को लगता है या व्यक्ति को लगता है कुछ इवेंट हो रहे हैं और वे इवेंट सच है ऐसा लगता है। मतलब एक्चुअली हैंड प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, हस्तमैथुन नहीं कर रहा है, मास्टरबेशन नहीं कर रहा है, मगर उसको ऐसा लगता है कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ। इट्स एन इमेजिनरी इवेंट। तो मैंने बोला भाई आप सच्ची करते हैं क्या हस्तमैथुन? बोले हाँ सच्ची करता हूँ। फिर ठीक है, फिर वो वीर्य बाहर निकलता है क्या? नहीं, बोले वीर्य बाहर नहीं निकलता। फिर मैंने बोला फिर आप ऐसे छोड़ देते क्या बीच में? बोले मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। मतलब आप देखो याद से कि एक्चुअली हस्तमैथुन हो रहा था कि आपको इमेजिनेशन में हो रहा था। जब उसको डिटेल में मैं गया तो उसने बताया कि हाँ बराबर है, अभी मेरे को समझ में आ रहा कि एक्चुअली उस समय मैं शायद नींद में ही था और मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली वो नींद में हस्तमैथुन कर ही नहीं रहा था। इसे हिप्नोगैगिक हेल्यूसिनेशंस है उसमें। ये हिप्नोगैगिक हेल्यूसिनेशन में ऐसा लगता है कि उसको कुछ दिखता है, लगता है कि सपना आया, या एक्चुअली इवेंट हो रहा है ऐसा उसको लगता है, या कान में आवाज आती है, या टच कोई कर रहा है ऐसा लगता है। मतलब वो एक परसेप्शंस है और वो परसेप्शन एक्चुअली हो रहा है ऐसा पेशेंट को लगता है, और एक्चुअली वो होता नहीं है। इट्स ए हेल्यूसिनेटरी स्टेट और वो हिप्नोगैगिक हेल्यूसिनेशन करके माना जाता है। ये कारण इसके जो है वो है कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बहुत तनाव और एंग्जाइटी है हस्तमैथुन के प्रति, इसलिए ऐसे दिख रहे। फिर उसको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो सकती है, बायपोलर डिसऑर्डर है, नार्कोलेप्सी है, ऐसे अनेक कारणों से ये हिप्नोगैगिक हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। इसमें नहीं है कि उसको मैंने कुछ दिन के लिए बेंजोडाइजेपिन्स दिया, अल्प्राजोलाम, डाइजीपाम जैसे कॉम्बिनेशन वाली ड्रग, वो अलग अलग भी आती है, तो वो ड्रग दिया मैंने और उसको बोला कि भाई आप हिप्नोथेरेपी करो और ये देखो कि भाई वो एक्चुअली नहीं हो रहा है, वो आपको भास हो रहा है, आभास हो रहा है, एक्चुअली नहीं है, आपको लगता है कि एक्चुअली है। ऐसे बातचीत किया, एक दो सीटिंग्स किए, उसमें वो दवाई से अच्छा हो गया, बाद में दवाई भी बंद कर सका हो। वो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच।